सो वंस अगेन वेलकम ऑन माई चैनल ज़ेब्रा टेक प्ले। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओरिएंट की मिक्सचर ग्राइंडर का, जो कि हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। और ये है हमारी 500 की मिक्सचर ग्राइंडर, 500 वॉट की। अगर आप चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस मिक्सर ग्राइंडर को मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जो वीडियो बनाई थी पहले बनाई थी, लेकिन मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर अभी कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा जो भी इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे कैसा यूज़ करने में है और कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। और अभी आप देख सकते हैं हमें इसके अंदर 2 ईयर की वारंटी मिल जाती है, प्लस QR कोड मिलता है साइट में। आप इस QR कोड को स्कैन करके इसे चेक भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका जेन्यून है या नहीं है। एंड इसके अलावा इसके अंदर हमें मिल जाता है मैनुअल्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमें चेक करने में कि आपको कौन से जार में कितना कैपेसिटी में क्या यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ये मैनुअल। अगर आप बाय करते हैं तो इन मैनुअल्स को एक बार प्रॉपर रीड कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा हमें इसके अंदर बिल मिल जाता है, और ये बिल हमारा काफ़ी ज़्यादा काम का होता है। अगर आप कभी भी वारंटी क्लेम करना चाहते हैं तो इस बिल के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और बाई चांस कभी अगर आपका बिल जो है वो आपका लॉस्ट हो जाता है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन और मिलता है। आप कस्टमर में कॉल करके अपना जो इनवॉइस होता है आप उसे अपने मेल आईडी पे आप उसे मेल करा सकते हैं, और मेल कराने के बाद आपको जो रिसीव होती है कॉपी, तो आप उसके थ्रू अपनी वारंटी को आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें आपका कोई बिल अगर लॉस्ट हो भी जाता है तब भी इसमें आपका रिस्क नहीं होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं जार पे अपने। तो ये हमारा जार है 1.25 लीटर का जार है, जो कि हमारे तीनों जार्स में सबसे बड़ा वाला जार है ये। और इसमें इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1.25 लीटर की कैपेसिटी है ये हमारा लिक्विड जार है। इसमें हम ज़्यादा हार्ड स्पाइसेस नहीं पीस सकते हैं, इसमें सिर्फ ये से हम ज़्यादातर लिक्विड में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई शेक बनाते हैं आप, ठीक है, जैसे आप बादाम शेक वगैरह हो गया, या फिर इसके अलावा आपका अगर आप आम का शेक बनाते हैं या फिर आप बनाना का शेक बनाते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है ये आपका। क्वालिटी की मैं इसकी बात करूँ तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। और हमें इसके जो जार्स में हमें जो ब्लेड्स मिलते हैं वो निकल कोटेड हमें ब्लेड्स मिलते हैं, जो कि जो ग्राइंडिंग होती है काफ़ी अच्छी इससे ग्राइंडिंग हो जाती है। एंड ये वाला जो हमारा जार है ये हमारा मिड जार है, जो कि बीच का जार है। इसकी हमें जो कैपेसिटी मिलती है वो हमें मिल जाती है 0.8 लीटर की। प्लस इसमें हमें जो इसका आप देख सकते हैं जो इसकी लीड है हमें काफ़ी जो रहती है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि आपका गिरने से या फिर कभी जल्दी टूटेगी नहीं है, ठीक है। और ये हमारा जो मिड वाला जार है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जार है, और इसके अंदर जो ब्लेड हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड ब्लेड हैं इसके अंदर, क्योंकि जो हम ग्राइंड करते हैं तो इसके अंदर हम हार्ड स्पाइसेस ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, तो इसके अंदर हमें जो ब्लेड्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा हमारा जो तीसरा जार है ये हमारा है चटनी जार। इस चटनी जार में नॉर्मली हम कभी भी चटनी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी ज़्यादा बेस्ट रहता है। और कभी अगर आप इसके अंदर गरम मसाला पीसना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर ग्राइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये हमारा जो चटनी जार है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसके अलावा जो हमारा मिड वाला जार है जो कि है 0.8 लीटर का, वो भी उसकी भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। लेकिन जो इस सबसे बड़ा वाला जार है लिक्विड जार, उसकी क्वालिटी जो है वो ज़्यादा कुछ ड्यूरेबल नहीं लगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक बाकी अच्छी क्वालिटी है। और बाकी ये हमारी जो मिक्सचर है इसमें हमें मिल जाता है स्पीड कंट्रोलर। इसमें हमें 3 स्टेप मिलते हैं, 3 स्टेप में हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें इसके बॉटम में मिल जाता है ओवरलोड प्रोटेक्शन का, नीचे बटन मिल जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके जार में कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी नहीं हो पाती है उसकी इतनी, आपका जार रुक जाता है, तो उस केस में आपका जो ये बटन होता है नीचे वाला स्विच, ये आपकी मशीन को बंद कर देता है। इससे आपका जो मोटर होता है मोटर ख़राब नहीं होता है। बाकी कुछ देर बाद आप इस स्विच को फिर से प्रेस करके अपनी मशीन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसके अगर मैं वायर की बात करूँ तो वायर काफ़ी अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसे 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी तक मुझे कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं करना पड़ी है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका मुझे पड़ा है 1400 का प्राइस मुझे पड़ा है जब मैंने बाय की थी। तो उस टाइम इसका जो प्राइस दिखा रहा था वो 1600 का दिखा रहा था, जिसमें मुझे 200 का कैशबैक मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मुझे पड़ जाती है 1400 की पड़ी है। और वैसे इसका जो नॉर्मल प्राइस रहता है वो अमेज़ॉन पर इसका ऐसे ही रहता है 1699 का नॉर्मली इसका प्राइस रहता है। यूज़ करते टाइम ये आवाज़ तो काफ़ी ज़्यादा करती है, लेकिन ओवरऑल अगर मशीन को देखें तो काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक मारना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।